हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मा ज्ञान। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्योर स्टीम क्वालिटी टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है प्योर स्टीम क्वालिटी टेस्ट चेक करने के लिए, कि प्योर स्टीम की क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो ये जो एग्जांपल में दिखाया हुआ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट प्योर स्टीम क्वालिटी टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो रेड घेरे में आपको दिख रहा होगा, रेड सर्कल में। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो व्हाट इज प्योर स्टीम? प्योर स्टीम इज़ ए क्लीन यूटिलिटी यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विद टू प्राइमरी यूजेस, स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टेक्टिंग कंपोनेंट्स एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम एंड आइसोलेटर एयर सप्लाइज। सो, जो प्योर स्टीम है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती है। उसके दो प्राइमरी यूजेस हैं, एक तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टेक्टिंग कंपोनेंट्स, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको कॉन्टेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, और दूसरा जो क्लीन रूम्स होते हैं उनको ह्यूमिडिफाई करने के लिए, और आइसोलेटर्स में एयर सप्लाइज के लिए। जनरल एक टिपोग्राफिकल एग्जाम्पल है, एक ये फोटोग्राफ मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि प्योर स्टीम जनरेटर कैसा होता है। तो ये एक फोटोग्राफ है, इसको आप देखिए और समझिए कि क्या प्योर स्टीम जनरेटर की क्या फंक्शनिंग है और कैसे होता है। वो डिटेल फंक्शनिंग हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो, प्योर स्टीम क्वालिटी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं? सो, प्योर स्टीम हैज़ बीन डिफाइंड एज हैविंग वाटर फॉर इंजेक्शन WFI क्वालिटी कंडेंसेट। देर आर सेवरल टेस्ट विच आर लिस्टेड हियर आर टू बी परफॉर्म फॉर और टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्योर स्टीम। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ए क्लियर कलरलेस एंड ऑडरलेस लिक्विड, pH बिटवीन 5 to 7, कंडक्टिविटी नॉट मोर देन 1.3 माइक्रोसाइमन पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, TOC नॉट मोर देन 500 ppb। दीज आर द स्पेसिफिकेशंस फॉर प्योर स्टीम कंडेंसेट सैंपल। द माइक्रोबियल टेस्ट स्पेसिफिकेशन फॉर प्योर स्टीम कंडेंसेट सैंपल आर एज वेलोज, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन लेस देन 0.25 एंडोटॉक्सिन यूनिट पर ml, टोटल वायबल एरोबिक काउंट नॉट मोर देन 10 CFU पर 100 ml, टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल ई कोली, सालमोनेला स्पेसीज, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास यूरोजिनेसा, शिंगेला वोयोडी, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये सब एब्सेंट होना चाहिए पर 100 ml में। अपार्ट फ्रॉम कंडेंसेट सैम्पलिंग देर आर थ्री मोर टेस्ट विच आर नीड टू बी परफॉर्म फॉर और टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ प्योर स्टीम प्योर स्टीम। द फर्स्ट टेस्ट इज ड्राइनेस टेस्ट, द अदर टेस्ट सुपर हीट टेस्ट एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस टेस्ट। द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ड्राइनेस टेस्ट इज नॉट लेस देन 0.95। सुपर हीट के लिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो लेस देन 25 डिग्री होना चाहिए, और नॉन कंडेंसेबल गैसेस के लिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो लेस देन 3.5% होना चाहिए। दीज आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया विच आर टेकन फ्रॉम EN285। सो ऑल दीज टेस्ट आर नीड टू बी परफॉर्म फॉर ड्यूरिंग इनिशियल और शेड्यूल्ड क्वालिफिकेशन ऑफ प्योर स्टीम क्वालिटी और प्योर स्टीम यूजर पॉइंट्स।
एक बार और हम रिवाइंड कर लेते हैं कौन कौन से टेस्ट करते हैं। प्योर स्टीम क्वालिटी टेस्ट के लिए सबसे पहला जो प्योर स्टीम का कंडेंसेट होता है उसका टेस्ट होता है, जिसमें केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसमें ड्राइनेस, सुपर हीट और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को की क्वालिटी हम चेक करते हैं। तो ये चार टेस्ट मेन होते हैं प्योर स्टीम कंडेंसेट क्वालिटी टेस्ट के लिए। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान।